अरे 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 अरे, अरे। जगह जगह लिखा होता है मुजरी सेहत है, और वैसे भी मुझसे शादी होने वाली है, सब कुछ खत्म। शादी? इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? मेरा बसा बसाया घर खराब किया इसलिए क्योंकि मैं पसंद आ गई थी, है ना? नहीं देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और झूठ बोलने की कोशिश मत करना। इम्मू को मुझे तलाक देने पे मजबूर किया, अब मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अब ये वो मैं वो कुछ नहीं चलेगा। हाँ मैंने कह दिया है एक दफा। जुगनू है, लड़की 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 किस तरह चला रही है? निकल निकल बाहर। अरे छोड़िए, मुझे इनसे बात करने दिया, ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं। मुंशी जी निकल निकल बाहर, माफी चाहता हूँ सुल्फी साहब, धक्का दे के आ गई। बख्शी जी आप प्लीज रहने दे, मैं देख लूंगा। देख लेंगे। आप ही देख लीजिएगा। बख्शी जी सही तरह से देखिएगा। जुगनू आप नीचे चलिए, मैं थोड़ी देर में आया। 2 मिनट के अंदर आना और भागने की कोशिश मत करना। नहीं मैं ये वॉशरूम तक बस। 2 मिनट ये दे। हाथ हो गई फुट भर की लड़की, तलाक का कलंक माथे पर, और इन सारे गुनों के साथ एहसान फरामोशी और जबान दराजी अलग। क्या कहूं मैं तो खुद बहुत शर्मिंदा हूं। निकल गई ना सुनी एक ना दो। जैसा भी घर था तो सही ना, खुश थी नहीं खुश थी, लेकिन छोड़ तो था ना, लेकिन अच्छा भरा घर मेरा सारा तोड़ के, मेरी तलाक करवा के, सब कुछ खत्म करवा के, और अब यहाँ बैठ के अंडा खा रहे हैं आप, हैं? आपको तो कभी एहसास ही नहीं होगा ये तस्वीरें, ये घर, ये हमारे पास नहीं है। सोचा है कि मेरे बारे में क्या करना है, मुझसे शादी करनी पड़ेगी? ऐसे बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, खामोश ही रहना, कुछ नहीं कहना। आप प्लीज बैठे, प्लीज तस्वीर रखिए। ओ डार्लिंग, ऐसी कोई बात नहीं है। नो, आई एम डूइंग दिस सो वी वर्क। लेकिन क्या हो जाएगा ना डाल साहब, हो जाएगा डॉक्टर साहब। आप क्लाइंट्स को हैंडल करें, मैं आपको दोबारा कॉल करूंगा। लेकिन कब कॉल करेंगे आप? मैं करता हूँ डॉक्टर साहब, मैं आपको फिर कॉल बैक करता हूँ। ओके बाय। तुम लोग ऐसे ही मेरे बिजनेस कॉल्स के दरमियान आके मुझे डिस्टर्ब कर देते हो। कागज साहब ये देखिए। ओह ब्यूटीफुल लवली, डन डील करो, ले लो ले लो। बाबा साहब ये हमारे खानदानी कंगन है जो अम्मा ने पहने थे और फिर आयशा ने। ओह द खानदानी कंगन जो अल्लाह बख्शे तुम्हारी अम्मा, God bless her soul, उन्होंने पहने, फिर आयशा ने पहने, तुम पहनना चाह रहे हो क्या? बाबा साहब ये मैंने इसलिए निकलवाए कि ये हम हमारी होने वाली देवरानी को पहनाएंगे। Great idea! देवरानी? देखिए आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन मैंने आपका घर खराब नहीं किया। तो फिर किसने खराब किया है? ज्यादा बच्चा बनने की जरूरत नहीं है? तुम्हें इद्दत की वजह से इतने दिन से घर से बाहर नहीं निकली, अब तो आपको मेरे सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, बल्कि मुझसे शादी करनी होगी। आई समझ? वैसे आप ये बात थोड़ी मोहब्बत और सहूलत से भी कह सकती हैं, जैसे कि जुल्फी साहब आपकी मोहब्बत में मजबूर हो जाने के बाद मुझे भी आपसे मोहब्बत होने लगी है। क्यों कहूं मैं ऐसे? मुझे किसी से मोहब्बत मोहब्बत नहीं है। सीधी तरीके से मुझसे शादी करें वरना मेरी जिंदगी और खराब हो जाएगी। अच्छा
बैठिए तो सही। अमीर घरानों की इकलौती लड़कियां बैठी रह जाती हैं। ये हर तरह की ऐबी, इससे कौन करेगा शादी? आज ये रिश्ता आ गया, कल ये भी नहीं आने का। सारी उम्र बैठ के हमारे सीनों पे मूंग दलेगी। लड़की पसंद कर ली, मुझे बताया नहीं। कौन है वो? फैमिली क्या है, कहां से है? दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बाबा साहब, आपके क्वेश्चंस और कंसर्न्स बहुत वैलिड हैं। आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि फैमिली आपकी अच्छी तरह से देखी भाली है। हमने जुल्फी के लिए मेरी छोटी बहन गजाला को पसंद किया है। लाला? जी बाबा साहब, हम दो ही तो भाई हैं, ये दो बहनें, कोई बाहर से लड़की आएगी तो मसले हो जाते हैं। मैंने इसीलिए आयशा से खुद कहा था कि गजाला की बात करें। बाबा साहब, आप तो जानते हैं कि गजाला सारी जिंदगी बाहर रही है, वहीं पढ़ी है, और उसकी यही ख्वाहिश थी कि शादी भी पाकिस्तान से बाहर हो। लेकिन मैंने इन दोनों भाइयों की बॉन्डिंग देखी है और मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि तनवीर और जुल्फी एक दूसरे से अलहदा हो, इसलिए मैंने गजाला से बात कर ली है और वो राजी हो गई है। मैं आपसे शादी करूंगा, आज और अभी। अभी मतलब नाश्ते के बाद। मारे गए बख्शी जी, पहली बार अल्लाह मियां तुझसे मिलन मांगा था और तूने मालकन दे दी, इस बार तो पूरा खाता बंद होके रहेगा। Two for the price of one, buy one get one free। नहीं, अगर वो राजी नहीं है तो कोई बात नहीं, we can get find somebody else। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये, she is happy, she has agreed to go forward with this। गजाला, I like her, अच्छी लड़की है। आज की उर्दू जरा कमजोर है, जुल्फी की अंग्रेजी कमजोर है, दोनों एक दूसरे को समझेंगे नहीं। Perfect match, well done my child। लेकिन जुल्फी से किसी ने पूछा, उसकी रजामंदी बहुत जरूरी है। बाबा साहब, मेरी शादी के वक्त आपने मुझसे पूछा था? नहीं, मेरी शादी के वक्त मेरे बाप ने मुझसे नहीं पूछा था, तो मैं तुम्हारी शादी के वक्त तुमसे कैसे पूछता? तो जुल्फी भी तो मेरा ही भाई है ना बाबा साहब, इनकार थोड़ी करेगा। That's my point. You have a point. I am so lucky and blessed कि अल्लाह ताला ने मुझे जुल्फी जैसा ताबेदार बैठा दिया है। चल जाओ, तुम लोग तैयारी करो। Done deal. Thank you बाबा साहब। मुंह क्यों सजा लिया, जाके तैयारी करो। Yes darling, खुशी की खबर है। हाँ, मैं शादी कर रहा हूँ। क्या वादा मुझसे और शादी किसी और से? मेरी बात तो सुनो, मैं शादी कर रहा हूँ जुल्फी की, यस, अपने बेटे की। ओके ओके ओके। पॉकेट मनी नहीं भेजी बाबा साहब ने तो, ये फ्यूल के पैसों से है। थोड़े हल्के हैं लेकिन। सोने के तो है ना? हाँ। ओ ऐसे। तुम्हें शादी मुबारक हो चुका।
तुमको भी शादी बहुत मुबारक हो। ये लीजिए बाबा साहब, बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाह। मुबारक हो मामा। मुबारक हो, अब गजाला ऑफिशियली मेरी देवरानी बन गई है। बस भी करें, आई सुन रही हैं आप शाहजहां जब तक लड़की से कोई गुल नहीं खिलवाएंगी ना, पट्टा नहीं डालेंगी। अरे अब क्या पट्टा डालेंगी, अब तो निकल गई हाथों से, अब नहीं आने की वापस। आए तो क्या वापस जाएगी तलाक के बाद भी? आए वो अब मुंह नहीं लगाने का, वो तो निकली है जो जमाने भर की रही सही का लगती अपने मुंह पे मलने। लेकिन आखिर गई कहाँ? आए मेरी बला से भाड़ में जाए, आग लगे चोर ले जाए। चलो चलो चलो, चलना है हमें। कहाँ? अम्मी के पास। तुम्हारी अम्मी के पास? और क्या, तुम्हारी अम्मी के पास, वो तो मर गई है। अच्छा अब पता क्या, सुबह से निकली हुई हूँ ना तो परेशान हो रही होंगी, और खाला जहांगीर ने तो उन्हें बातें सुना सुना के आधा कर दिया होगा। अभी जाऊंगी ना तो उनकी शक्ल देखने वाली होगी। चलो चलते हैं, नाराज तो नहीं होंगी? उनके तो खुशी के मारे जमीन पे पांव ही नहीं टिकेंगे। क्या कह रही थी मुझे कि अगर उस साइकिल वाले से शादी ना हुई तो ऐसी बैठी रह जाऊंगी। ले ताली। खुश होना जितनू। मैं क्या दुखी लग रही हूँ तुमको? देखो मेरी शक्ल, खुश हूँ, थोड़ी सी परेशान हूँ, वो असल में अम्मा की वजह से ना, तो इसलिए अभी हमें जल्दी निकलना होगा। ठीक है चलो। अरे अल्लाह अल्लाह करके एक अच्छा रिश्ता मिला था, एक कमाऊ लड़का, खूबरू लड़का, मगर शहजादी साहब का तो तन तना निकल गई। जैसे साथ वाले बंगले में कोई नवाबजादा मुंतजर हो। ऐसों को मिलने लगे नवाबजादे। आपा आपा, जुगनू आ गई, जुगनू आ गई। ऐसों ने कहाँ जाना? ऐ क्या करने आई है, उससे कहो वहीं जाए जहाँ दिन भर मुंह काला करके आई है। आपा वो अपने शौहर के साथ आई है, जुगनू ने निकाह कर लिया है साहबजादा जुल्फिकार से। अब वो जुल्फी क्यों नहीं आया? भाभी आपको शायद मालूम नहीं है, लेकिन हमारी फैमिली में ट्रेडिशन है कि लड़का पगनी पे नहीं आता। इनफैक्ट बाज़ औक़ात तो उसे मालूम भी नहीं होता। एक्चुअली मामा वो पढ़ रहा है ना, हम उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते थे इसीलिए नहीं बताया। मगर मेरा तो ख्याल था कि उसे पता होगा, वैसे भी अब जमाना बहुत बदल चुका। तो आप बता देंगे, वैसे भी उसको क्या इतराज होगा, वो तो बहुत खुश होगा। खुश तो होना चाहिए, माशाल्लाह लुक एट माय सिस्टर, क्या कमी है इसमें। आशी बेटा बात कमी की नहीं है, कर उसे मालूम होना चाहिए था। नहीं मालूम था तो अब मालूम हो जाएगा, मैं अभी फोन करता हूँ। हाँ हेलो जुल्फी, बाबा साहब ने तुम्हारी मंगनी कर दी है गजाला के साथ। खुश है बहुत, क्या शर्मा रहे थे? तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। अच्छा बाद में बात करते हैं, अभी जरा यहाँ पे मसरूफिया था। खुदा हाफिज। किसका फोन था? नहीं कोई नहीं, छोड़ो। हाँ छोड़ो, जिसका भी हो हमें क्या। आपने खाला जहांगीर की शक्ल देखी थी? हाँ क्यों। अल्लाह की कसम उनका चेहरा देखने वाला था, और किशो खाला वो तो लग रहा था खड़े खड़े गिर जाएंगी।
तुम जो हो ना बस ऐसे ही हंसती रहा करो, बहुत प्यारी लगती। अरे आपको ही प्यारी लगती हूं मैं, बाकी तो किसी को भी नहीं। तुम बहुत खूबसूरत हो। वो हिम्मो में तो अकल ही नहीं थी, तुम्हें मॉडल बनाना चाहता था, हालांकि तुम तो इतनी प्यारी हो कि तुम्हें बस बिठा के देखता रहूं, देखता रहूं। थोड़ा सा सुनूंगी लेकिन ज्यादा देखो। लेकिन मैं तो ज्यादा बोलती हूँ। बस आप उनको उनका हक दे दीजिएगा। फिर वही बातें, मैं कौन होता हूँ उनको उनका हक देने वाला? बाबा साहब अभी जिंदा है। नहीं मेरा बस जिस दिन बड़े साहब को पता लगा ना तो खैर मनाना, कुछ ना कुछ तो होगा। जुल्फी यहाँ से दूर है यही अच्छा है, यहाँ रहेगा तो बाबा साहब का रुझान भी उसकी तरफ रहेगा। छोटा है ना, लाडला। आपकी बात बिल्कुल सही है तनवीर, मैं अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, इसीलिए गजाला को यहाँ बुलवाया है। पता है उसकी टेम्परमेंट में सिवाय डिजाइनर क्लोथ्स के और घूमने फिरने के कुछ भी नहीं है। है तो जुल्फी भी शौकीन मिजाज। तो इट्स परफेक्ट, इट्स अ मैच मेड इन हेवन। दोनों की शादी करा देते, दोनों आपस में बहुत खुश रहेंगे। जुल्फी को कोई ज्यादा शौक है भी नहीं पाकिस्तान में रहने का। तनवीर आप तो जानते हैं ना, गजाला सारी जिंदगी बाहर रही है, वो पाकिस्तान में बिल्कुल सेटल नहीं होना चाहती है। दोनों की शादी करा देते और बाहर भेज देते। वैसे जितने अजीब हालात में हमारी शादी हुई मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका। आई मीन यू नो ड्रेसेस वगैरह। वैसे वाकई हमारी शादी इतने अजीब हालात में हुई, मुझे तो लगा कि तुम कोई बहुत ही बिगड़े हुए अमीर आते हो जो मेरा घर खराब किया। नहीं जुगनू, ये बात सच है कि इन्होंने तुम्हें मेरे कहने पे तलाक दी, लेकिन तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं मेरी जिद भी थी। लेकिन मैं तुम्हें कितना चाहता हूं शायद तुम्हें कभी ना बता पाऊं। दोनों यहां से दूर चले जाएं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तनवीर आपको मुझसे एक कमिटमेंट करनी होगी। क्या? जुल्फी की हक तलफी नहीं हो सकती है। मैं तुम्हें कोई फिल्म का विलन लगता हूँ जो अपने भाई के साथ इस तरह का सलूक करूं? बात सिर्फ इतनी सी है, एक मियां में दो तलवारें और एक हवेली में दो मालिक नहीं हो सकते। हाँ वो तो आप सही कह रहे हैं। देखे ना शादी हो जाएगी, दोनों सेटल हो जाएंगे, बस आप उनको उनका हक दे दीजिएगा। फिर वही बातें, मैं कौन होता हूँ उनको उनका हक देने वाला? बाबा साहब अभी जिंदा है। नहीं मेरा बस मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। आपा मेरी अभी जुगनू से बात हुई है, मेरी बच्ची के नसीब ऐसे होंगे मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। शकल सूरत जात पात दौलत, अरे किस चीज की कमी है साहबजादा साहब में। कोई नई नौसरबाजी होगी। ए आपा लड़के ऐसे दरख्तों पे तोकते नहीं। और फिर ये जुगनू हमारी, ए ऐसी तो कोई शकल की हसीन नहीं है कि ये के बाद दीगरे लड़के उस पे आशिक होते चले जाएं। छोटा मुंह बड़ी बात है तो कुछ है सही।
अरे मेरी बच्ची को एक के बाद एक आला ही रिश्ते मिले। आयशा जहान, अब किस्मत से मुंह में चावल आ ही गए तो इस कदर चबा चबा कर मत बोलो। अरे तुम्हें यही मान है तो जरा सोच लो कि जो पिछले ने किया कहीं अगला भी वही ना करे। अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह को मानो आपा। अल्लाह ना करे कि मेरी बच्ची को अब कभी दर बदर होना पड़े। और अगर तुम्हारे अब्बा को पता चल गया तो? बाबा साहब को कौन बताएगा? मुंशी जी। बख्शी जी को जितनी बख्शिशें मैंने दी हैं वो अगर बाबा साहब को बता दें तो सब गायब हो जाएंगी और वैसा कभी नहीं होने देंगे। अच्छा, बख्शी जी को बख्शे देते हैं? मुझे तो नहीं दी कभी। अच्छा छोड़ो, लेकिन ये बात तय है कि आज मैं सारी कसर पूरी करूंगा और तुम्हें शॉपिंग पे लेके जाऊंगा, तुम्हारे जूते कपड़े और ज्वेलरी। नहीं, हाई चप्पल भी लूंगी। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, वो तनवीर भाई को मैंने मैसेज कर दिया था, उन्होंने मेरा क्रेडिट कार्ड खुलवा दिया। क्रेडिट कार्ड? यार बाबा साहब ने मना किया था, वो पॉकेट मनी भिजवाते थे, लेकिन तनवीर भाई को मैंने कह दिया कि अब मुझे पैसों की थोड़ी सी ज्यादा जरूरत है। वाह भाई। नहीं आपा, सच्ची बात तो कड़वी होती है, लेकिन हम उसके हमदर्द हैं, जब ही तो बोल रहे हैं। शादी कोई गुड़िया गुड्डे का तो खेल होती नहीं है, दो खानदानों के दरमियान होती है शादी। और अपनी जुगनू ये तो ना जाने क्या क्या तमाशे करती फिर रही है। अरे तुम्हारी लड़की ने पहले भी सबसे झूठ बोला, अब भी झूठ बोल रही है। आपा, मैं तो ये कह रही हूँ कुछ नहीं तो बख्शी जी से ही जाके पूछ ले। आए और क्या, बख्शी जी से ये तो पूछो कि ये जुल्फी है कौन, अचानक कहाँ से बरामद हो गया। और अगर ये झूठा निकला तो? तो भाई मुझसे कोई तवक्का ना रखना, सच्ची बात है। जानते हो अरे मुझे कुछ बात करनी है, आओ तो सही। अरे कहाँ ले जा रही हो? इधर आओ, मुझे जरा सच सच सब कुछ बता दो। और हाँ, पहले वाली हरकत बिल्कुल ना करना। अरे पहले वाली हरकत क्या, पहले भी हरकत तुम्हारी लड़की ने की थी और इस बार भी, यूं समझ लो ना 3 में ना 13 में। अच्छा ये बताओ, जुल्फिकार साहब जो है वो सर में बहुत बड़े जमींदार के बेटे हैं? बड़े जमींदार तो है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, खाली अल्लाह का शुक्र अदा मत करो, फिक्र भी करो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारी लड़की ने बिल्कुल ठीक नहीं किया, जबरदस्ती निकाह किया हमारे छोटे साहब से। आई जबरदस्ती निकाह? अरे कसम ले लो बख्शी जी, जो मुझे कुछ पता हो थे, वो तो अचानक घर से निकली और वापस आई, कहने लगी अम्मा इनसे मिलो, ये है तुम्हारे दामाद साहबजादा जुल्फिकार। अम्मा ये है तुम्हारे दामाद? मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, सही नहीं किया तुम्हारी लड़की ने। बस मैं तो इतना जानता हूँ हमारे छोटे साहब बहुत ही मासूम आदमी हैं, यूं समझ लो बड़े भाई ने लाड प्यार में बिगाड़ दिया बस। आए, बहुत बिगड़े हुए हैं क्या? सही पूछो तो ये बड़े लोगों का क्या बिगड़ना और क्या संवरना, तुम्हारी जो जुगनू है लड़की ज्यादा है, थोड़ा संभाल के रखो उसे। अरे बख्शी जी, कोई कुत्ता बिल्ली हो तो घर में बंद कर दे, जंजीर डाल दे, लेकिन जवान औलाद पे सख्ती नहीं की जा सकती है? जवान औलाद पे सख्ती नहीं की जा सकती, अपनी जवान औलाद इतनी प्यारी है ना, सख्ती नहीं कर सकती। तो ये जान लो हमारे साहब बहुत सख्त है, जिस दिन पता लग गया ना तो क्या होगा? तो होना क्या है, इतनी उम्र नहीं है बख्शी जी की, लेकिन तजुर्बे की बुनियाद पे तुम्हें बता रहे हैं,
जिस दिन बड़े साहब को पता लगा ना तो खैर मनाना, कुछ ना कुछ तो होगा। बस यही पूछना था। हाँ आयशा, आयशा मेरा फोन देखा? देखा है। आप ये बताइए, आपको कुछ खबर है? क्या हो रहा है? क्या हुआ? धड़ाधड़ बैंक से मैसेजेस आ रहे, क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग की जा रही है। हाँ, जुल्फी कर रहा है। जुल्फी? जुल्फी लड़कियों की दुकानों से शॉपिंग क्यों कर रहे? जल्द से जल्द इसकी शादी करनी पड़ेगी। मतलब के खूब खरीदारी हुई? हाँ। तो बख्शी जी का हिस्सा? क्या मतलब? मतलब भी समझाना पड़ेगा। मतलब ये कि बड़े साहब के घराने में बरसों से चाकरी कर रहे हैं हम गुलाम, तो कुछ हक तो हमारा भी बनता है, तो हमारा हिस्सा बेहतर होगा। शराफत से हाथ पे रख दो। कौन सा हिस्सा? कैसा हिस्सा? वो खुद मुझे अपने शौक से लेकर गए थे, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं। शौक से लेकर गए थे या मजबूरी से? ये बख्शी जी नहीं जानते। बख्शी जी तो बस एक बात जानते हैं कि बख्शी जी के 10% के बगैर बड़े साहब के फेफड़ों में सांस तक नहीं जाती। तो तू किस खेत की मूली है लड़की? बख्शी जी, आप मुलाजिम, वो भी पुराने वाले, इसलिए आपका लिहाज कर रही हूँ, वरना है, 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 है। मतलब पैर की जूती अब मुंह को आने लगी? क्या 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 क्या? पैर की जूती? किसे बोला? किसे बोला पैर की जूती? दूर कर लड़की, तुझे बोला और किसको बोलूंगा? हाँ, आप बदतमीजी कर रहे हैं। तमीज? तमीज के बारे में मालूम भी है कि ते से आता है या तोए से? पहले उम्मो से शादी करके उसे इस्तेमाल किया, अब हमारे छोटे साहब से शादी करके उनके कंधे पे चढ़कर जो बुलंदियों का सोच रही है ना तू? बख्शी जी सब जानते हैं। हाँ, आप ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। बेहतर होगा आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। माफी चाहता हूँ बेगम साहबा, भूल गए थे बख्शी जी कि आप छोटी मालकन है, लेकिन आप भी नहीं भूलिएगा कि बख्शी जी के मुंह को पैसों के ताले की आदत पड़ चुकी है। जाइए जाइए, ये मर क्यों नहीं जाता? ये रोज न्यूज में सुनते इतने आदमी मर गए, उतने आदमी मर गए। जिस दिन ये बुढ़ा मरेगा ना, उस दिन मानूंगी कि हालात खराब हो गए। अब्बा, तुम कहाँ चले गए हो? सबसे खुद ही लड़ना पड़ता है मुझे। बहुत बुरी दुनिया है, बस तुम मुझे अपनी दुनिया में बुला लो। आपको देखने के लिए भी कोई मौजूद होना चाहिए बख्शी जी। जुगनू भी बिल्कुल ठीक कहा। जुल्फी पढ़ते रही, मैं देखूंगी हिसाब किताब। तो बताइए कितना आया इस साल अमरूदों का ठेका? अमरूद? अमरूद? परेशान मत हो जुगनू, तनवीर भाई संभाल लेंगे और बाबा साहब हुक्म से बहुत प्यार करते हैं, मान जाएंगे। हैं? सुल्फी, मैं एक बात कहूं? कहो। ये बख्शी जी है ना, इन्हें ज्यादा पैसे नहीं दिया करो। क्यों? क्योंकि वो बहुत चालाक है। इम्मू वाला मामला भी इन्होंने ही बिगाड़ा था। वो कैसे? अरे भाई, मुझे झूठ बोला कि इम्मू बहुत अमीर है, ऐसा है वैसा है। मैं कभी करती उस 2% के आदमी से शादी? 16 का बोल के 14-25 पे डन कर देना। डंडी टोनी माय बॉय, आशा जी वाला सर, तुमने जुल्फी को मम्मी का बताया था? जी बता दिया। क्या कहा? कुछ नहीं बोला बाबा साहब।
ये भी नहीं पूछा कि लड़की कौन है क्या है। बाबा साहब एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, अब क्या पूछेगा। अरे मैं मान ही नहीं सकती, इम्मू को तलाक के बदले में जो तुमने पैसे दिए थे उसमें बख्शी जी का हिस्सा ना हो, मैं मान ही नहीं सकती। सही कह रही हो, ऐसा ही हुआ। और अम्मी को बहुत उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाई उन्होंने। हाउ डेयर ही। हाँ ना, और मुझे कह रहे थे कि शॉपिंग में से ना मुझे भी शेयर दिया करो। जब मैंने मना किया ना मुझे धमकी देना शुरू हो गए कि बाबा साहब को बता दूंगा। अच्छा इसलिए तुम पूछ रही थी। हाँ ना, डर गई थी मैं। तुम्हें डरने की क्या जरूरत, मैं हूं ना। बाबा साहब हम चाह रहे थे कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। गुड आइडिया, डन डील, नेकी और पूछ पूछ। एक्चुअली गजाला दोबारा बाहर जाना चाह रही है हायर स्टडीज के लिए, क्या ही अच्छा होगा कि दोनों की शादी करके इकट्ठे ही भेज दें। हाँ हाँ जाए, बाहर जरूर जाए, दुनिया भर घूमे लेकिन वापस इधर ही आए। मैं जुल्फी को अपनी आंखों से ज्यादा दूर नहीं रख सकता। मैं जुल्फी को बता देता हूँ अगली वीकेंड आ जाएगा, डेट भी फिक्स कर लेंगे। डन डील। कुछ परेशान लग रहे हैं बख्शी साहब। नहीं छोटे साहब, आपके होते हुए मैं क्या परेशान। वो क्या है ना कि जब लोग बिला वजह परेशान होते हैं तो शक्ल पे आ जाता है। ये देखें, हंसता खेलता आपका गुलाम बख्शी आपके सामने। जुल्फी, तुमने कभी ये रजिस्टर देखा है? क्या है इस रजिस्टर में? क्या है इस रजिस्टर में? इतने बड़े घर और बागात का सारा हिसाब किताब है इसमें। ओह जुल्फी साहब, आपको बड़े साहब ने यहाँ पढ़ने लिखने के लिए भेजा है तो ये तो पढ़ाई में तवज्जो दें, बड़े साहब चाहते हैं तो इन सब चीजों के लिए इनका गुलाम बख्शी हाजिर। आपको देखने के लिए भी कोई मौजूद होना चाहिए बख्शी जी। जुगनू भी बिल्कुल ठीक कहा। जुल्फी पढ़ते रहे, मैं देखूंगी हिसाब किताब। तो बताइए कितना आया इस साल अमरूदों का ठेका? अमरूद एक सेकंड, सॉरी एक्सक्यूज मी। जी जी, वो अमरूद, हाँ। पिछले साल जो अमरूद हुए थे उनका ठेका अमरूदों का। जी तो मुझे वापस। खबरदार, जो मेरे मामला पे टांग अड़ाई मुंह के बल गिरेगी। तुम इन्हें दोनों हाथों से लूट रहे हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जैसे तू तो जुल्फी साहब से शादी करके और यहाँ इजी ट्रस्ट खोलने आई थी ना, तूने ही लूट रही उन्हें। गलत बात मत करो बख्शी जी, तुमने मेरा घर उजाड़ा है, मैंने सिर्फ अपने फायदे के लिए शादी की थी। अच्छा तुझे कुछ साइकिल आला नहीं मिला शादी करने के लिए? तुम्हारे जुल्फी साहब ही मिले थे शादी के लिए। ये मेरा जाती मामला है। सुन ले लड़की, ये मेरा भी जाती मामला है और कान खोल के सुन ले, अगर मेरे मामला में आइंदा तूने टांग अड़ाई तो इसी छतरी से मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा, समझी। और हाँ, खबरदार जो छोटे साहब को इस बारे में कुछ कहा तूने। अरे देख लेंगे कौन किसकी टांग तोड़ता है, थर की बुढ़ा। नहीं तनवीर भाई, मैं अभी बिल्कुल नहीं आ सकता, सेमेस्टर चल रहा है ना, और आपको तो पता है यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कितनी मुश्किल है। एक वीकेंड की तो बात है, वैसे भी सारी तैयारी तो हमने कर ली है, तुम आ जाओ तो डेट भी फिक्स हो जाएगी तुम्हारी। नहीं तनवीर भाई, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और मुझे अभी पढ़ना है यार, बहुत पढ़ना है। अरे तो पढ़ते रहना, गजाला भी तो पढ़ ही रही है ना, दोनों मिलके पढ़ लेना। तनवीर भाई प्लीज, ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप फिलहाल ये तारीफ वगैरह की बात प्लीज उसको रहने दें। जाती मामला है, आप हटिए रास्ते से। That's it. मैं आज ही जा रहा हूं।
साफ साफ कहो ना कि राजा जी ने निकाल बाहर किया बुढ़िया सास को घर से। खाला किशो, लोग तो बीवियों को भी निकाल बाहर करते हैं। ये तो फिर सास थी। आप चलो भाई जुल्फी, समंदर घूमने चलते। अरे इतना सीरियस नहीं हो, आपको भी ले चलेंगे समंदर घुमाने। समंदर? लोग लीज पे गाड़ियां लेते हैं, लीज पे शादी की है, ब्लडी फूल। तो तुम नहीं जाओगी? नहीं,